नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन रॉयल फिया सर्पेंटाइना के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में कुछ आपको जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रॉयल फिया सर्पेंटाइना, आपने कभी ना कभी इस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो सर्पगंधा का नाम जरूर सुना होगा। इंडिया में सर्पगंधा बहुत ही कॉमन ड्रग है आयुर्वेद में, और होम्योपैथिक में रॉयल फिया सर्पेंटाइना बहुत ही ज्यादा कॉमन ड्रग है। तो रॉयल फिया सर्पेंटाइना प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, उसकी फैमिली एपोसाइनेसी है, और उसको इंडियन स्नेक रूट भी बोलते हैं, और हिंदी में सर्पगंधा भी बोलते हैं, चंद्रिका भी बोलते हैं, और चंद्रा भी बोलते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं ये सब चीजों को सुना होगा। तो रॉयल फिया जो सर्पेंटाइना, सबसे पहले बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या है, फिर उसके बारे में बात करेंगे कि ये कौन कौन सी बीमारी में अच्छे से काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है, फिर इसके बारे में डोजेस के बारे में बताऊंगा कि किस पोटेंसी में क्या लेना चाहिए डोजेस, और फिर लास्ट में मैं ओपिनियन बताऊंगा कि क्या आपको, मैंने किस दवा में कैसे उसको ठीक किया है पेशेंट को रॉयल फिया दे के, और मैं कब रॉयल फिया ज़्यादा देता हूँ, तो इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहला लक्षण है रॉयल फिया का हाई ब्लड प्रेशर, मतलब कोई भी पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाए, आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता हो, तो रॉयल फिया, आपने बहुत बार सुना होगा कि रॉयल फिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपका ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाए, मतलब ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल रहता है वो 120/80 mmHg ब्लड प्रेशर रहता है, अगर वो 140 से लेकर ऊपर वाला 140 तक चला जाए या नीचे वाला 90 तक चला जाए, फिर भी उसको हम नॉर्मल ही बोलते हैं। अगर वो 140 से ऊपर, मतलब 150/90 या 150/100 या कुछ भी उसके ऊपर 180/190 कुछ भी अगर रहे, तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर भी बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड रहता है, मैं उसका एक वीडियो बना चुका हूँ, तो लिंक दे देता हूँ यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। तो ब्लड प्रेशर में रॉयल फिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब आप बोलेंगे कि इफेक्टिव कैसे है, तो ये वैसो डायलेशन करा देती है, मतलब हमारे जो वेसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट रहते हैं नॉर्मली, लेकिन वो वैसो डायलेशन करती है तो ब्लड प्रेशर एकदम से कम हो जाता है। और मैंने बहुत सारे पेशेंट को देखा है कि रॉयल फिया देने के विद इन 10 मिनट्स उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो रॉयल फिया बहुत ही इफेक्टिव है ब्लड प्रेशर में, और एक्चुअली में क्या करती है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो मोस्टली जो मैंने केसेस देखे हैं और आपने भी देखे होंगे कि स्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा हम दिमागी तनाव ले लेते हैं, मानसिक तनाव ले लेते हैं, इसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और इस चीज़ को भी रॉयल फिया बहुत ही इफेक्टिवली ठीक करती है। तो रॉयल फिया जो है वो आपके मानसिक तनाव को बहुत ही इफेक्टिवली सही करती है और वैसो डायलेशन कराती है, इसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर जो हाई रहता है वो नीचे आ जाता है। मेन काम रॉयल फिया का यही है, और मेन सिम्टम रॉयल फिया का यही है। दूसरा सिम्टम है मानसिक तनाव, मतलब मेंटल स्ट्रेस। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस रहता है, या फिर आप मेनिक पेशेंट है, मतलब सिजोफेनिया, या आप सिंपल भाषा में बोल दें तो अगर पागल है, बार बार किसी भी चीज़ को दोहराते रहते हैं या चेंज करते रहते हैं, बात करते करते एक जगह बात करते करते, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी बात कर रहा हूँ, फिर मैं उस उठा के कुछ टॉपिक को उधर ले जाऊँ, फिर उस टॉपिक को इधर ले जाऊँ, ऐसे ही अलग अलग तरीके की बात करते रहूँ, वो मेनिक पेशेंट रहते हैं, अलग अलग तरह का मेनिया भी होता है। तो इसके लिए, मेनिया पागलपन के लिए, रॉयल फिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। दूसरा है दोस्तों, ये नर्वस सिस्टम में बहुत ही अच्छा एक्ट करती है, और नर्वस सिस्टम में एक्ट करके करती क्या है कि इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस करती है। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है उसके अंदर, और साथ में ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है, तो रॉयल फिया उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और जो मैंने पहले बताया कि मेनिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है रॉयल फिया, इरिटेबिलिटी, अगर ब्रेन इरिटेबिलिटी रहती है तो इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है रॉयल फिया। और अगर ये एक तरह से सेडेटिव का भी काम करती है रॉयल फिया, तो अगर आपको नींद नहीं आती तो रॉयल फिया मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे, साथ में पैसिफोरा मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे, तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही काम नींद आएगी। अगर आप उसके साथ एक रेस्क्यू रेमेडी ठेठी आती है, उसको भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेंगे, तो बहुत ही अच्छी आपको नींद आएगी, साथ में रॉयल फिया पैसिफोरा आप लीजिए। और लास्ट में दोस्तों, ये फीवर के लिए, अगर फीमेल है, उनको डिलीवरी हुई है, और उसके बाद उस दौरान डिलीवरी के 3-4 दिन बाद अगर उनको बहुत ज़्यादा बुखार आ गई है, तो रॉयल फिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि रॉयल फिया किस किस बीमारी में देना चाहिए। तो मैंने पहले बता दिया है कि बीपी में, हाई बीपी में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरा है पागलपन में, ये बहुत ही इफेक्टिव, इंसेनिटी में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर इरिटेबिलिटी ऑफ ब्रेन रहे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो किसी पेशेंट को, तो रॉयल फिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। फिर उसके बाद अगर
वो ज्यादा आपको नींद नहीं आती हो, बहुत नींद अगर नहीं आती हो, नींद नहीं आने से भी बीपी बढ़ता है और इसलिए रॉयल फियर देने से नींद भी अच्छी आती है, तो नींद के लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन। अब चलते हैं दोस्तों कि रॉयल फिया को कैसे लेना चाहिए, डोजेस बता देता हूँ मैं। तो रॉयल फिया को हमेशा मदर टिंचर में लें, रॉयल फिया सरपेंटाइना, ये आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, रॉयल फिया सरपेंटाइना मदर टिंचर लिखा हुआ है ऊपर आपको, यहाँ पर मदर टिंचर, नीचे होम्योपैथिक मेडिसिन और विलियम चौबे की है। तो इसको आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार दें, अगर बीपी है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको रॉयल फिया के मिलते हैं। और अगर उसको नींद नहीं आती तो रात में 20 बूंद इसको दें और पैसिफोरा मदर टिंचर को मिला के 20 बूंद दें, तो नींद अच्छी आएगी। अगर इंसैनिटी है, लंबे समय तक वो पागलपन रहता है, तो 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार दें, तो इंसैनिटी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर इरिटेबिलिटी है तो 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार दें, और इंसैनिटी और इरिटेबिलिटी के साथ, इरिटेबिलिटी अगर होती है तो कालीफॉस 6X बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है इस रॉयल फिया के साथ देने से। तो उसके साथ कालीफॉस 6X और रेस्क्यू रेमडी भी देंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको, और अच्छे रिजल्ट्स रॉयल फिया के साथ मिलेंगे। तो ये मेन डोजेस होते हैं रॉयल फिया के, और रॉयल फिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही ज्यादा बिकने वाली मेडिसिन है, सभी होम्योपैथिक शॉप में ये मिलती है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई होम्योपैथिक शॉप नहीं होगा जिसमें रॉयल फिया सरपेंटाइना ना रखा हो उसने मदर टिंचर में, क्योंकि ये बीपी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बीपी के पेशेंट मेरे पास तो रेगुलर ये बिकने वाली मेडिसिन है, और लगभग 1 पाउंड, पाउंड मतलब 450 ml, लगभग 10 दिन में खत्म हो जाता है, 10 भी दिन नहीं लगते, 5 to 6 days में खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा बिकती, बहुत ज्यादा डिस्पेंस होती है, सभी होम्योपैथिक शॉप में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देने की कोशिश करूंगा, ऑनलाइन अगर रहता है तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हैं। लेकिन कहीं भी होम्योपैथिक शॉप आसपास मिले आपको तो वहां से रॉयल फिया, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम हो, इंसैनिटी की प्रॉब्लम हो, इरिटेबिलिटी की प्रॉब्लम हो और आपको नींद नहीं आती हो, तो रॉयल फिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा वीडियो को, लाइक का बटन वीडियो के नीचे दिया गया है तो उसको दबा दीजिए, और उसके बगल में एक सब्सक्राइब का बटन दिया गया है दोस्तों तो उसको भी दबा दीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देखिए थोड़ा सा नीचे, और उसको दबाने के बाद एक बेल आइकन आपको मिलेगा। तो अगर आपको मेरे लाइव क्लिनिक में आना है, हमसे ऐसे ही बात करनी है और ऐसे बात करके कुछ दवा पूछनी है आपको, तो लाइव क्लिनिक में 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक आना बिल्कुल मत भूलिएगा। और किसी भी तरह की कोई भी और बीमारी हो तो आप मेरे चैनल में जाके बीमारी का नाम सर्च करिए और आपको वीडियो मिल जाएंगे, बीमारी के बारे में पता हो जाएगा और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पता हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।